प्रणाम बेटा, हैप्पी बर्थडे नाना। थैंक यू अना। सो बेटा इकड़ मगो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की अंश का बर्थडे है और सुबह का टाइम है, उसने ब्रश कर लिया है। तो यहाँ पे मैं मूंग भिगो के रखी थी रात को और उसका मैं डोसा बना रही हूँ। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे चटनी भी रेडी हो चुका है। तो कियांश अपना नाश्ता कर लिया है और रेडी हो गया है नहा वहा के। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब दिव्यांश थोड़ा ज़्यादा बोलने लगा था। सो आज है कियांश का बर्थडे, तो बर्थडे व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। सो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है 5, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन के लिए ग्रेवी। और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी और चिकन चिल्ली। तो देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होगा। उसका ये 5th बर्थडे है तो मैं सोच रही कुछ स्पेशल करूँ, लेकिन वैसे तो घर में कोई इतने हम लोग ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं कर रहे हैं। सो छोटा सा फंक्शन होगा लेकिन अच्छा होगा सब चीज़ में। तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरी सास मेरे देवरानी देवर के साथ तिरुपति गई थी उनके बच्चे के मुंडन में। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली ननद आ गई थी रहने के लिए 4-5 दिन के लिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही तो वो हंसने लगी, उसको कुछ समझ में नहीं आया था। एक्चुअल मैंने किसी को बताया नहीं था, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैं रात के डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो यहाँ पे सब मैं मसाले वगैरह निकाल रही हूँ चिकन बिरयानी के लिए। और यहाँ पे कियांश दिव्यांश फर्स्ट टाइम बैठा था। तो यहाँ पे मैं बिरयानी पत्ता, लौंग, दालचीनी, साजीरा, इलायची वगैरह सब मतलब गरम मसाला वगैरह सब ले लिया है। और यहाँ पे मैं पानी बॉईल करने के लिए रख दी और उसके अंदर सब मसाले डाल रही हूँ बिरयानी के लिए। सो यहाँ पे प्याज और टमाटर को मैं फ्राई कर रही हूँ ग्रेवी के लिए, चिकन ग्रेवी के लिए। मुझे ऐसा चिकन ही अच्छा लगता है बनाना। सो पानी बॉईल हो गया है और इसमें बासमती राइस धो के रखा हुआ था वो डाल दिया है हम लोग ने। इसको एटलीस्ट 70% तक ही पकाना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। सो जब तक राइस बॉयल हो जाए तब तक मैं इसको देख रही हूँ। ये अकेला खेल रहा है दिव्यांश, आजकल बहुत मस्ती करने लगा है, एक जगह पे रुकता ही नहीं है। जब से उसको आगे बढ़ने के लिए मतलब आ रहा है। सो यहाँ पे चावल आधा पक चुका है, तो यहाँ पे मैं पूरे पानी को निकाल दूँगी, ड्रेन कर लूँगी। देखिए इतना ही पकाना है, थोड़ा सा कच्चापन उसमें रहना चाहिए। सो गाइस मैं इतनी बिजी थी कि मैं कुछ भी आप लोग के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। सो यहाँ पे मैं इमेज डाल रही हूँ, वही मैंने बनाया था आज। और यहाँ पे पार्सल मेरे भाई ने इसके बर्थडे के दिन ही भेज दिया था, अभी आया है पार्सल, तो वही देख रहा है कि इसके अंदर क्या है। सो दिव्यांश यहाँ पे खेल रहे हैं और कियांश अभी तक केक तो नहीं कट किया है, बट जो भी पार्सल आया है मेरे भाई ने भेजा है उसको वो ओपन करके देख रहा है। सो इसके अंदर उसको स्पाइडरमैन, बैटमैन और 2-3 ड्रेस वगैरह उसको मिले हैं। सो वो पूरे ड्रेस वगैरह पहन के भी उसने चेक कर लिया है केक कट करने से पहले ही। देखिए वो बहुत ही खुश हो गया है क्योंकि उसको स्पाइडरमैन, बैटमैन वगैरह ये सब बहुत पसंद है। सो फाइनली केक कटिंग का टाइम हो गया है, तो मैंने ज़्यादातर किसी को बुलाया नहीं है, बस हम लोग घर के मेंबर्स ही थे और 2-3 नेबर्स थे, वो लोग आए थे केक कटिंग में। सॉरी गाइस मेरा थोड़ा आज सर्दी हुआ है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, इसकी वजह से मेरा वॉइस ऐसे आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी सब लोग हैं और हम लोग अभी केक कट कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट कीजिएगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिए आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो।
सो हम लोग सब केक कटिंग के लिए वेटिंग है। केक कटिंग हो गया है। मैंने सबको केक और थोड़े से चिप्स और नमकीन दिए थे प्लेट में, और साथ में डिनर भी रेडी हो गया था। जस्ट केक कटिंग के बाद स्नैक्स वगैरह खा के डिनर करना है। सो सबको यहाँ पे केक खिलाना है कियांश को बारी बारी, और थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह भी निकालने हैं। तो ये एक्चुअली हमारा डाइनिंग एरिया है। हम लोग हमेशा हॉल में कट करते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ये डाइनिंग एरिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे केक कट कर देंगे। तो उनके दादाजी कियांश को खिला रहे केक। यहाँ पे मैंने दो तीन लोगों को भी बुलाया था, नेबर्स को जो हमारे रेंट मतलब भाड़े कर रहे हैं, उन लोगों को, वो लोग भी आए हैं। सो बर्थडे वगैरह सब सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।